फ्रेंड्स, इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। फ्रेंड्स, यदि आप भी ट्रस्ट कंपनी टीम लीज का पूरा पैसा ऑनलाइन निकालना, फाइनल सेटलमेंट करना व लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो में बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको किसी भी ब्राउजर पर जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है tlpf.teamlease.com। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वेबसाइट नहीं पता तो यहाँ पर टीम लीज पीएफ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको ESS लॉगिन के पेज पर चले जाना है। फ्रेंड्स, यदि आपको नहीं पता कि ये ESS लॉगिन क्या होता है, फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे करते हैं या फिर इसमें यूजर आईडी या फिर पासवर्ड कैसे बनाते हैं, तो इनका सभी का वीडियो मैंने स्टेप बाय स्टेप अलग से बनाया हुआ है। सबसे पहले आप वो वीडियोज देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम पेज पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको यूजर नेम एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सब कुछ एंटर कर लिया है, अब यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे सफलतापूर्वक लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ से आप चाहे तो एनुअल जनरेट एनुअल स्लिप भी कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं जो भी स्लिप है कि क्या पैसा है कि पेंडिंग है, या फिर डायरेक्ट भी यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड करके भी देख सकते हैं कि यदि आपने पहले कोई भी पैसा ट्रांसफर किया हुआ था पिछली कंपनी का किसी और कंपनी का, तो वो ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, टोटल पैसा कितना आपको मिलने वाला है, सब कुछ पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी टोटल अमाउंट ये दिख रहा है ना, ये ही आपको मिलने वाला है। इसमें काफी लोग क्वेश्चंस करते हैं कि सर ये पीएफ का है या फिर पेंशन का भी है। तो ये पेंशन का पैसा तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पेंशन का पैसा इसमें नहीं इंक्लूड होता है, ये केवल पीएफ पीएफ का पैसा होता है। अब पीएफ में ये आपका मेंबर का जो पैसा है, मेंबर का कंट्रीब्यूशन है और कंपनी का कंट्रीब्यूशन है, दोनों ही होता है और दोनों मिला के इतना ही है, आपको इतना ही मिलने वाला है। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे जाएंगे, ट्रांजेक्शन में आपको यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं ट्रांजेक्शन पे, तो कुछ इस टाइप से भी दिखेगा ये। अब यहाँ पे आपको लोन अप्लीकेशन भरना है या फिर सेटलमेंट अप्लीकेशन बना है, तो सेटलमेंट करेंगे हम, फाइनल सेटलमेंट करेंगे। डेट ऑफ एग्जिट वगैरह सब कुछ अपडेटेड है। अब हम यहाँ पे सेटलमेंट का काम करेंगे, सेटलमेंट वाला फाइनल सेटलमेंट का कैसे फॉर्म भरते हैं सब कुछ देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ESS सेटलमेंट अप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कुछ ऑप्शन तो ऑलरेडी फिलअप है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन भरना है, जैसे कि एड्रेस हो गया, सिटी हो गया, पिन कोड हो गया, स्टेट हो गया, ईमेल आईडी हो गया, बाकी यहाँ पे टोटल सर्विस वगैरह तो ये आपका दिखाई रहा है, और बाकी उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है, जो भी बैंक का एड्रेस है वो यहाँ पे देखना है, एंटर करना है। देखिए ये जो एड्रेस है वो एम्प्लॉई एड्रेस है, यहाँ पे फिल करना है, और ये जो दूसरा एड्रेस है जो अकाउंट नंबर के नीचे है वो यहाँ पे बैंक का एड्रेस एंटर करना है। बैंक का नेम क्या है, IFSC कोड क्या है, किस सिटी में बैंक है वो यहाँ पे एंटर करना है, उस सिटी का पिन कोड क्या है वो एंटर करना है, और स्टेट क्या पड़ता है, जो कि यहाँ पे जहाँ पे आपका बैंक है उसका स्टेट यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेम प्रिंटेड कैंसल चेक अपलोड कर सकते हैं या फिर बैंक का स्टेटमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे अपलोड यहाँ पे दे रहा है, और यहाँ पे पासबुक भी अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे आधार कार्ड तो आपको मैंडेटरी है, ये दो ऑप्शन मैंडेटरी है, ये जो कि चेकबुक पासबुक या फिर आपका बैंक का स्टेटमेंट है ये मैंडेटरी है, यहाँ पे स्टेटस में देखने को मिल रहा है, और आधार कार्ड भी मैंडेटरी है, यहाँ से अपलोड कर सकते हैं फाइल कोई भी चूज करके, आपको ब्राउज पे करना है और अपलोड कर लेना है। और जो पैन कार्ड है ये ऑप्शनल है, देखिए ऑप्शनल है, ये आप चाहें तो करें नहीं तो नहीं करें, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि मेरी सलाह ये होगी कि अगर 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट है तो आप यहाँ पे पैन कार्ड जरूर करें। अब उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको फिल करना पड़ेगा, टिक मार्क कर देना है कि आपने कोई भी लास्ट दो मंथ तक आपने कहीं भी काम नहीं किया हुआ है, ज्वाइनिंग नहीं किया हुआ है, ये सब कुछ आप क्लियर कर लीजिए। बाकी यहाँ पे भी सेलेक्ट कर लीजिए, यदि आप कहीं भी कुछ भी इंफॉर्मेशन गलत पाई जाती है तो आपके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई हो सकती है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और बाकी चलिए यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे अप्लाई फॉर सेटलमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप सेटलमेंट कर पाएंगे। यहाँ पे मेरी सलाह सबसे पहले ये रहेगी कि सबसे पहले आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ब्राउज करेंगे, ब्राउज जैसे ही हम करेंगे, और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा आ रहा है चेक का, तो चेक हमने अपलोड कर लिया है। तो उसके बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे तो सारा कुछ फिल करने के बाद यदि आप करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, तो सबसे पहले यही कर लीजिए, यहाँ से अपलोड कर लीजिए एक एक करके सब कुछ। यहाँ पे देखिए अभी अपलोड लिख रहा है ना, यहाँ से ब्राउज किया आपने, यहाँ से अपलोड कर लीजिए, उसके बाद ऐसे करके तीनों जब भी कर लीजिए, उसके बाद सारा डिटेल फिल कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे डाउनलोड्स में आने लगा, यहाँ पे अब एक और ऑप्शन आ गया डाउनलोड का, यहाँ से डाउनलोड करके देख भी सकते हैं क्या आपने यहाँ पे अपलोड किया है। तो फिलहाल में हम तीनों पहले अपलोड कर लेते हैं और उसके बाद से हम
यहाँ पे अगला प्रोसेस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे ये भी अपलोड, अब अपलोड का ऑप्शन नीचे आ गया। देखिए अपलोड यहाँ पे करना, अपलोड ऐसे करेंगे तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ भी आ जाएगा। अभी 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 एक ही अपलोड हुआ है, बाकी दो और करेंगे हम लोग। उसके बाद ये सारा डिटेल फिल कर लेंगे, सारा डिटेल बाद में फिल करके और यहाँ से अप्लाई फॉर सेटलमेंट कर देंगे। तो आप सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट ही यहाँ पे अपलोड कीजिए। देखिए दो डॉक्यूमेंट हमने सक्सेसफुली का भी मैसेज आ रहा है। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट एडिट सक्सेसफुली, सक्सेसफुली का भी मैसेज आ रहा है। तो अब तीसरा डॉक्यूमेंट भी हम अपलोड कर लेते हैं यहाँ से, पेन, तो पेन का भी हमने कर लिया और यहाँ से अपलोड कर देंगे। उसके बाद से सारा डिटेल फिल करके और अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने सारा डिटेल फिल कर लिया है, अब यहाँ पे हम डिक्लेरेशन भी कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर फाइनल सेटलमेंट कर देंगे। देखिए यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या आप सही में चाहते हैं अप्लाई करना, तो देखिए ओके कर दीजिए। और यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, देखिए प्रोसेसिंग प्लीज वेट, ये प्रोसेस हो रहा है, सारा कुछ फिल करने के बाद ही ये प्रोसेस आप कीजिए, उसके बाद यहाँ से सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अप्लीकेशन एडिट सक्सेसफुली, जो आपका अप्लीकेशन है वो सफलतापूर्वक यहाँ पे एड कर लिया गया है, यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। बाकी डाउनलोड करके इसके बारे में देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे डिलीट करना चाहें तो डिलीट का ऑप्शन दे रहा है, आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, यदि ऑप्शन है तो आप कर भी सकते हैं। बाकी अप्लीकेशन का डेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, 6 दिसंबर 2020 को आपने अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पे स्टेटस अप्लाइड दे रहा है, यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस डेट, ये 2 या 3 दिन के बाद यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, वो आप चेक कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे 31 अगस्त 2020 आपका जो लिविंग डेट है वो दिख रहा है। और यहाँ पे रिजाइनेशन का यहाँ पे देख रहा है, जो रीजन है आपका कंपनी छोड़ने का वो यहाँ रीजन शो हो रहा है। बाकी रिमार्क में अभी कुछ नहीं है। यहाँ से डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिल रहा है और डाउनलोड्स का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे ही आप डाउनलोड्स करेंगे तो यहाँ पे प्लीज वेट लिखेगा और यहाँ से आप देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो आपने डाउनलोड्स पे क्लिक किया है। तो उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट्स जनरेटेड सक्सेसफुली हो गया है, अब यहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, देखिए ये अभी वर्ड में डाउनलोड हो रहा है, सेव कर लीजिए। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो भी रिसिप्ट है कुछ इस टाइप से डाउनलोड हो रहा है टीमलीज सर्विस लिमिटेड का। आप देख सकते हैं इसमें सारा डिटेल आपका देखने को मिल जाएगा, जो भी आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ जो भी लिविंग है, बाकी रीजन्स क्या है, आपका सेल नंबर दिख जाएगा, पर्सनल डिटेल सब कुछ दिख जाएगा, पिन नंबर वगैरह सब कुछ दिख जाएगा, बाकी आपका बैंक का डिटेल दिख जाएगा, एफसी कोड वगैरह दिख जाएगा, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो भी फुल एड्रेस है बैंक का वो भी दिख जाएगा और यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिख जाएगा, जो भी आपने डिक्लेरेशन वगैरह किया हुआ है, जो भी आपने क्लेम किया उसके बाद से ये रिसिप्ट आपको ऐसे इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। जो रिसिप्ट का डेट है वो 6/12/2020 का है, क्योंकि आज ही आपने किया है, जब भी आप करेंगे उसी डेट का यहाँ पे देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, आप समझ पाए होंगे कि यदि आप भी टीम लीज जैसे कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनका पैसा ऑनलाइन कैसे सेटलमेंट कर सकते हैं, फाइनल सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसका रिप्लाई मैं जल्द जल्द देने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स अगर इस प्रोसेस में आपको कहीं भी किसी प्रकार कोई इशू आता है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई जल्द जल्द देने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।